गुड मॉर्निंग क्लास फोर। सब्जेक्ट है बच्चों आपका रिमझिम, हिंदी रिमझिम फोर। और हिंदी फर्स्ट है ये आपकी रिमझिम जो हिंदी है। और इसमें जो है हमारे चार जो है चैप्टर बच्चों वो कंप्लीट हो चुके हैं, फोर चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम फाइव चैप्टर करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हिंदी की बुक। और हिंदी की बुक में अभी तक हमने चार जो चैप्टर पढ़े हैं तो आपको बताते हैं कौन कौन से वो हमारे चैप्टर थे जो हमने पढ़े और क्या क्या उसमें था, क्या हमने क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने मन के भोले भाले बादल पढ़े, कविता थी जैसा सवाल वैसा जवाब, एक कहानी थी। और किरमिच की गेंद, कॉर्क की जो गेंद होती है किरमिच, और कोई लाके मुझे दे, बहुत सुंदर कविता हमने पढ़ी थी। और पापा जब बच्चे थे, और यहाँ पे हमने एक पढ़ी थी कविता उलझन, और कल हमने पढ़ा था एक साथ तीन सुख, ठीक है ना। तो तीन सुख में हमने क्या पढ़ा था, तीन जो है मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं, और वो कहीं शहर की तरफ जा रहे थे तो उनको जाते जाते एक सिक्का मिलता है और तीनों को एक साथ वो सिक्का दिखता है। तो तीनों को आपस में ये होता है कि हम तीनों को ये सिक्का मिला है तो ये सिक्का तीनों का ही हुआ। तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो सिक्के का उन पे झगड़ा हो जाता है, किसी को कुछ खाना होता है किसी को कुछ खाना होता है, तो किस तरीके से बूढ़ा जो बुज़ुर्ग आदमी था उसने उनकी मदद की। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे दोस्त की पोशाक। पोशाक अभी बताते हैं। तो पेज नंबर आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप 35 है, सभी बच्चे इसको ओपन कर लीजिए। दोस्त की पोशाक, दोस्त होते हैं मित्र फ्रेंड, पोशाक कपड़े, ठीक है ना, एक तरीके का ड्रेस, ठीक है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल से मिले, अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं, ठीक है ना। तो बोलता है चलो दोस्त घुमाएं, जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली मतलब एक चमकीला सा जो है ड्रेस अचकन निकाल कर, अचकन होता है ऊपर का जो कुर्ता होता है, लाकर दे दिया और कहा इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बंठन के दोनों घूमने निकले, दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोस के घर गए। तो नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद हमने जो है इनसे मुलाकात हुई है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है, ठीक है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी गिर गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी ऐसी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है जमाल साहब और नसरुद्दीन और पड़ोसी, ठीक है। अब देखिए नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा अगली गलती हो गई है, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, है ना। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी नहीं है। तो जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, क्यों। नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा, पोशाक की बात तो कहीं बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए और नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया।
मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा रहा हूँ। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो जो है इस पाठ का सारांश हम कल करेंगे बच्चों, कल आपको बताएंगे। तो आज हमने पाठ पढ़ा है, आप लोग भी इसको क्या करेंगे, आज इस पाठ को पढ़ेंगे और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन आंसर किए हैं चैप्टर नंबर 4-5 से आगे 4 तक, तो उनको क्या करना है, आपने याद करना है। क्योंकि आपके जो हैं अगस्त में हमने बोला था लास्ट में आपका जो है क्लास टेस्ट लिया जाएगा, 10 मार्क्स का आपका होगा वो क्लास टेस्ट। तो अच्छे से उसको सभी बच्चे पढ़ेंगे और आज ये पाठ आपको पढ़ना